आज हम मिक्स डिजाइन का एक एग्जाम्पल लेके M50 ग्रेड कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करने वाले हैं और देखते हैं कि एज पर IS कोड 10262 और 456 के हिसाब से मिक्स डिजाइन कैसे होती है, क्या स्टेप्स हैं। बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आसानी से हम इस मिक्स डिजाइन को करेंगे ताकि आपका कोई भय या कोई भी डर है मिक्स डिजाइन के बारे में तो बिल्कुल निकल जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से हम मिक्स डिजाइन करने वाले हैं। आइए देखते हैं मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें स्टेप्स में क्या है कि हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टिपुलेशंस हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें मिक्स डिजाइन करना किस लिए है, यानी हमें किस कितनी स्ट्रेंथ चाहिए है, कितनी ग्रेड आप कंक्रीट के लिए हमें मिक्स डिजाइन करनी है, कौन से मटेरियल यूज होने हैं और वर्केबिलिटी क्या चाहिए, पंपिंग के लिए चाहिए कि रोड के लिए चाहिए या आपको डायरेक्ट उसको डंपिंग करनी है, एक्सपोजर कंडीशंस क्या है, किस तरह के माहौल में वो कंक्रीट आपका यूज होने वाला है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सीमेंट एंड वाटर कितनी है कि आपको कहीं सीमेंट और वाटर की क्या क्या वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम है और कौन सा ग्रेड है। तो यहाँ ग्रेड है हमारा M50 के लिए हम ये कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करने वाले हैं। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा यूज होगा, तो हमने OPC 53 ग्रेड का जो IS 12269 को के हिसाब से है उसको यूज़ करने वाले हैं। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर कौन सा है, फ्लाई एस है और फ्लाई एस को कन्फर्मिंग टू IS 3812 पार्ट वन के हिसाब से, पार्ट टू वाला नहीं है, पार्ट वन के हिसाब से ही यूज़ होता है कंक्रीट एडमिक्सचर में नॉर्मली। इसके बाद में मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 20 mm है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर क्यूबिक मीटर है फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन ऑफ RCC। वैसे IS 456 में भी दिया है कि 320 kg से कम नहीं होना चाहिए सीवर एक्सपोजर कंडीशन के लिए और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है 0.45 है, ये हमें दिया हुआ है। और वर्केबिलिटी चाहिए है 150 से 175 mm का स्लम्प चाहिए है, यानी क्योंकि ये पंपिंग होने वाली है, हाइट पे पंपिंग होने वाली है तो इसको 150 से 200 mm का स्लम्प चाहिए तब जाके ये प्रॉपरली पंपिंग होगी, हाइट ज़्यादा है, इस हिसाब से मिक्स डिजाइन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है ये बताई दिया है और मेथड आप कंक्रीट प्लेसिंग है, पंपिंग से प्लेसिंग होनी है, डिग्री ऑफ सुपरविजन अच्छा है, गुड है, टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है क्योंकि राउंडेड वाले भी आते हैं, ये क्रस्ट वाला है और मैक्सिमम कंटेंट ऑफ OPC सीमेंट है 450 kg पर क्यूबिक मीटर। IS 456 में भी दिया है कि 1 MQ में 1 क्यूबिक मीटर आप कंक्रीट में 450 kg आप सीमेंट से ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके बाद में केमिकल एडमिक्सचर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सुपर प्लास्टिसाइजर है, PC बेस्ड यानी पॉलीकार्बोनेट बेस्ड है, वो 30% रिडक्शन इन वाटर कंटेंट करता है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। अब हमें डिजाइन करना है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे डिजाइन के, है ना। तो इसके पहले हमें टेस्ट डेटा भी पता होना चाहिए कि जो मटेरियल यूज करने वाले हैं कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, फ्लाई एस, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर, और वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट फॉर नोइंग ग्रेड एंड जोन। तो ये हमें सब पता होना चाहिए। तो सीमेंट यूज हम कर रहे हैं 53 ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 1200, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 है और फ्लाई एस कन्फर्मिंग टू 3812 पार्ट वन हमने बात करी ली, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एस है 2.2 और केमिकल एडमिक्सचर टाइप है सुपर प्लास्टिसाइजर PC बेस्ड जो हमने बताया था 30% रिडक्शन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट है 2.72 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है 2.72। यदि ये सारी वैल्यूज नहीं दी होती हैं तो हमें लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटीज वगैरह ये सब निकालनी पड़ती हैं, पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.6% है और इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन फाइन एग्रीगेट का है 1.3%। फ्री मॉइस्चर कोर्स एग्रीगेट में निल है और ये इसका मतलब ये SSD कंडीशन में है और इसी तरह से फ्री मॉइस्चर फाइन एग्रीगेट में भी निल है, यानी ये SSD कंडीशन है। SSD मतलब सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। इसके अलावा कोर्स एग्रीगेट 20 और 10 mm का मिक्स है और कन्फर्मिंग टू IS 383 टेबल 2 के हिसाब से है और रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कितना है, 20 mm और 10 mm का 60-40 का रेशो है,
यानी 20 और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है 20 और 10 mm, 60% कोर्स एग्रीगेट 20 mm रहेगा, 40% उसमें 10 mm रहेगा, है दोनों कोर्स एग्रीगेट लेकिन उनका रेशियो आपस में इतना है। फाइन एग्रीगेट सैंड है जो जोन 2 टेबल 4 ऑफ IS 383 के हिसाब से, जोन 2 के हिसाब से है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हमें मिक्स डिजाइन करना है, उसका पहला स्टेप रहेगा फाइन टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स यूजिंग FCK डैश इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। यानी FCK डैश क्या है, टारगेट एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेंथ एट 28 डेज, यानी हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए है वो FCK है, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हमें चाहिए 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन टारगेट हम डिजाइन के लिए कर रहे हैं वो करेंगे ज्यादा, वो कितना ज्यादा 1.65 टाइम्स एस, एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसर स्ट्रेंथ से ज्यादा करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई करना है 1.65 का। तो अब टेबल देखते हैं 10262 टेबल 1, एस 5 दिया है फॉर M30 से M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, एस की वैल्यू दे रखी है 5। तो देयरफॉर टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारी, FCK डैश इज इक्वल टू 50 प्लस 1.65 इनटू 5, यानी ये हो गई 58.25। तो 58.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए हम ये मिक्स डिजाइन करेंगे। ये हमारी IS कोड की टेबल है 10262 में दे रखा है कि M10 से 15 तक स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है, M20 से M25 के लिए 4 है और M30 से M55 के लिए 5 है। तो हमने यहां पे 5 लिया है हमारा M50 ग्रेड होने की वजह से। अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि इसमें बाटर सीमेंट रेशियो निकालना है हमें IS 456 की टेबल नंबर 5 से। टेबल नंबर 5 में यदि हम देखेंगे तो हमें सीवियर कंडीशन के लिए और बाटर सीमेंट रेशियो, सीवियर कंडीशन के लिए हम देखेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए, तो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो राइट साइड में जो दिया है ये 0.45 आता है। तो ये हमारा फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456 मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एंड 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। हम 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो टेबल से आया 0.5। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको ये बेस्ड ऑन किस पे है, वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, ये नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बी में अडॉप्ट लेसर वाटर सीमेंट रेशियो बेस्ड ऑन एग्जांपल, ये तो मैक्सिमम है, हमें इससे कम ही अडॉप्ट करना चाहिए। तो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि 0.4 से 0.42 तक का वाटर सीमेंट रेशियो ठीक रहता है M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो हम 0.42 यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ईयर हमने 0.42 लिया और जो 0.45 से कम है इसलिए ओके है। अब हमने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड कर लिया, लेकिन हमें वाटर और सीमेंट रेशियो तो डिसाइड कर लिया ना, लेकिन हमें इसमें ना तो वाटर पता है ना सीमेंट, दो में से एक चीज पता होती तो हम ये तीसरी चीज निकाल देते। तो हम आगे स्टेप में देखते हैं, स्टेप 3 वाटर क्वांटिटी कैलकुलेशन। अब वाटर क्वांटिटी कैलकुलेशन कहां करेंगे, फॉर गिवन स्लंप एंड एडमिक्सचर, एक स्लंप और एडमिक्सचर के हिसाब से हमें वाटर निकालते हैं। देखिए टेबल 2 ऑफ IS कोड 10262 में मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट फॉर 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है, 186 kg है। 25 से 50 mm स्लंप के लिए ये दे रखी है टेबल राइट साइड में, तो इसमें 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए 186 kg मैक्सिमम वाटर कंटेंट बोल रहा है, लेकिन ये कितने स्लंप के लिए, 25 से 50 mm स्लंप के लिए है। लेकिन इसमें एक चीज और बोलता है वो कि यदि आपको 50 mm से ज्यादा का स्लंप है तो हर 25 mm स्लंप के लिए आप 3% वाटर कंटेंट बढ़ा सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है कैन इंक्रीज बाय अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशन 25 mm स्लंप। तो हमने क्या किया है कि 50 mm से ज्यादा हमारा 175 mm है, तो 50 से 75 के लिए 3%, फिर 75 से 100 के लिए फिर 3%, 100 से 125 के लिए 3%, 125 से 150 के लिए 3% और 150 से 175 के लिए 3%। तो इस तरह से हमारे पास 5 बार 3% हो गया, तो 5 या 15% हमें ये वाटर और बढ़ाना पड़ेगा, तो 186 प्लस 186 का 15%, तो ये हमारा आया 213.9 kg, क्योंकि 213.9 kg अब हमें ये कहता है कि पानी डालना चाहिए इतने स्लम के लिए।
तो अब लेकिन हम प्लास्टिसाइजर इसमें यूज कर रहे हैं, यदि प्लास्टिसाइजर यूज नहीं करते तो हमें 213.9 केजी डालना था, क्योंकि हम यहाँ प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं जो 30% तक रिडक्शन करता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ले रहे हैं 25%, लेट अस टेक 25% रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रैक्टिकली 25% करेगा, तो हम 213.9 में से 25% इसका घटा देंगे तो यह आएगा हमारा 160.43 केजी या 160.43 लीटर, यानी अब हमें वाटर सीमेंट रेशियो पता लग गया 0.42, हमें ये पता लग गया वाटर कंटेंट 160.43 केजी, अब हम आगे सीमेंट निकाल सकते हैं। तो सीमेंट एंड फ्लाई ऐश कंटेंट निकालते हैं हम कैसे एज पर IS-45 से, देखो वाटर सीमेंट रेशियो 0.42 था और वाटर कंटेंट आ गया 160.43, तो हमारा सीमेंट और फ्लाई ऐश का कंटेंट कितना आ जाएगा, 160.43 डिवाइड बाई 0.42 दैट इज इक्वल टू 381.98, यानी 381.98 केजी हमें सीमेंट डालना है, और विच इज ग्रेटर देन 320 केजी एज पर टेबल 5, जो हमारा 320 केजी उसमें क्वेश्चन में भी दिया था और टेबल 5 भी आईएस कोड की कहती है सीवर कंडीशन के लिए 320 केजी से कम सीमेंट नहीं चाहिए, तो हमने ये 381.98 केजी सीमेंटियस मटेरियल आ गया और विच इज ओके। अब हमें डिसाइड करना है, नाउ डिसाइड द परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश, ये जो 381.98 है ये क्या है, सीमेंटेशियस मटेरियल, सीमेंटेशियस का मटेरियल का मतलब होता है सीमेंट, फ्लाई ऐश, सिलिका वगैरह जो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं वो सब सीमेंटेशियस मटेरियल है, इसलिए हम इसको दोनों को मिलाएंगे सीमेंट और इसकी। अब हम परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश डिसाइड करना, फ्लाई ऐश नॉर्मली हम क्या करते हैं 15-35% तक फ्लाई ऐश इसमें मिक्स कर सकते हैं, हम यहाँ पे चूंकि हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो इसमें हम क्या करेंगे 20% फ्लाई ऐश लेके चलेंगे, तो 20% फ्लाई ऐश यदि हमने लिया है तो क्या होगा कि अब इस 381.98 में से हमें 20% फ्लाई ऐश माइनस करना चाहिए और हमें फिर सीमेंट की क्वांटिटी निकालना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा कोड और ये कहता है कि इन सर्टेन सिचुएशंस इंक्रीज इन सीमेंटियस मटेरियल कंटेंट मे बी वारंटेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ट्रायल, हमें क्या है कि हम ट्रायल करते हैं तो हमने देखते हैं कि ये जो सीमेंटियस मटेरियल का रिक्वायरमेंट 381.98 आया है ये कम पड़ सकता है, तो हमें क्या करना है कि इसको करीब 10-15% हम इस सीमेंटियस मटेरियल को बढ़ाते हैं, तो हमने यहाँ 15% इस सीमेंटियस मटेरियल को बढ़ाया, यानी 381.98 को हमें 15% बढ़ा रहे हैं, तो 381.98 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 15% बढ़ा के तो 439.28 केजी अब हमारा सीमेंटेशियस मटेरियल आ गया, सीमेंटेशियस मटेरियल का मतलब सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश। अब देखिए 300 वाटर कंटेंट हमारा 160.43 था और वाटर सीमेंट रेशियो कितनी आ गई 160.43 डिवाइड बाई 439.28 तो 0.365 जो हमने 0.45 कोड ने दे रखी है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो उससे कम है इसलिए ओके है, तो एक्चुअल आ रही है 0.365। अब देखिए फ्लाई ऐश हमने कितना लिया है 20% फ्लाई ऐश लिया है टोटल सीमेंटियस मटेरियल का, तो टोटल सीमेंटियस मटेरियल था हमारा 439.28 तो इसलिए इसका 20% कितना हुआ 87.86 केजी, तो हमारा सीमेंट कितना हो जाएगा 439.28 में से 87.86 घटा देंगे तो 351.4 केजी पर क्यूबिक मीटर सीमेंट लगेगा और 87.86 केजी पर क्यूबिक मीटर हमें लगेगा फ्लाई ऐश, दोनों मिला के हो जाएगा 439.25 जो 450 से हमारा कम भी है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिल गई हमें, क्वांटिटी ऑफ फ्लाई ऐश मिल गई, क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल गया और क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सचर तो सप्लायर देता है कि भाई इसको कितने परसेंट डालना है, कितना इसको डालने से आपका काम हो जाएगा, यानी हमारे पास सीमेंट, फ्लाई ऐश, वाटर, एडमिक्सचर सब आ गया, बचा क्या, सिर्फ मेरे पास बचा है क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, बस क्वांटिटी ऑफ कोर्स और फाइन एग्रीगेट यदि हमें मिल गए तो हमारी नेक्स्ट डिजाइन होगी। नाउ वी विल कैलकुलेट टाइप क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। देखिए टेबल 3 ऑफ IAS 10-262 में क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करेस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 2 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 इज 0.5 के लिए है 0.062, यानी टेबल 3 में ये जो टेबल 3 दे रखी है जोन 2 में यदि आप देखेंगे तो ये सेकेंड लाइन में आप देखो 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए
0.62 है कोर्स एग्रीगेट का रेशो। अब हमें, लेकिन हमारे केस में तो 0.5 नहीं है, हमारी जो है 0.42 है, तो 0.42 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू डिक्रीज द फाइन एग्रीगेट कंटेंट। क्या होगा कि यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशो कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन एग्रीगेट कम करना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम होता है। तो एज द वाटर सीमेंट रेशो इज लोअर बाई 0.08, यानी 0.5 की जगह हमारा 0.42 है ना वाटर सीमेंट रेशियो, तो 0.08 कम है वो, तो द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन इंक्रीज बाई, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कोर्स एग्रीगेट को, उसको करना पड़ेगा 0.080 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 0.01, यानी एट द रेट ऑफ प्लस माइनस प्लस 0.01 फॉर एवरी पॉइंट प्लस माइनस 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, यानी हर एक 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो के चेंज के लिए हमें 0.01 चेंज करना है। तो हमारा ये आया कितना चेंज हुआ, आपका 0.016 कोर्स एग्रीगेट का इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी हमें 0.016 और जोड़ना पड़ेगा। तो 0.6 में 0.016 और जोड़ेंगे तो हमारा 0.616 हो गया। तो करेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.42 इज इक्वल टू 0.6, तो वो था ही 0.6 प्लस 0.016, तो ये हो गया हमारा 0.616। तो इस तरह से हमारा पंपेबल कंक्रीट के लिए दीज वैल्यू शुड बी रिड्यूस बाई 10%। क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं ये कोर्स एग्रीगेट की, क्योंकि पंपिंग जब करते हैं तो ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट होता तो पंपिंग में स्मूथली होमोजेनसली नहीं जा पाता है, बड़े वाले एग्रीगेट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उसको 10% कोड कहता है कम कर दो इसको। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.616 था जो, उसको 90% कर दिया, इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 0.554 आ गया हमारा कोर्स एग्रीगेट, यानी जो टोटल एग्रीगेट में से कोर्स एग्रीगेट आ गया 0.554। तो 10 वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.554, तो यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट है 1, तो 1 में से यदि हम 0.554 कोर्स एग्रीगेट घटा देंगे तो हमारे पास फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आ गया 0.446। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं कि मिक्स कैलकुलेशन, हमारे पास सारा कुछ आ गया है, अब वेट निकालना, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए एक्चुअली में, हम वेट चाहिए। तो वेट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ डिफरेंट दी मिक्स कैलकुलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी एज फॉलोस, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट विल बी इक्वल टू ए, यदि हम उसको कहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यानी बी प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एज सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डी कह दें, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एंड मिक्सचर ई कह दें, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट एफ कह दें, ऑल इन एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों मिक्स करके। तो ये ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, अब ये देखते हैं कैसे निकालना है इनको। तो बी बी कितना है, बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो जाएगा हमारा मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1/1000। तो हमारा मास ऑफ सीमेंट है 351.42 केजी था, तो डिवाइड बाई 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000, तो ये 0.1116 क्यूबिक मीटर हमारा वॉल्यूम हो गया सीमेंट का। वो वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एस इसी तरह से निकालेंगे, मास ऑफ फ्लाई एस डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एस इंटू 1/1000, तो ये हमारा 87.86 केजी था डिवाइड बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 इंटू 1/1000, तो ये 0.0399 क्यूबिक मीटर हो गया हमारा फ्लाई एस। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उतना ही आएगा, हमारा कितना था 160.43 केजी था, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, तो इसलिए आ जाएगा ये 0.1604 क्यूबिक मीटर पानी आ गया। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिचार 1% से बता रहा है कि 1% डालना है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने बताया है, तो इसका कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर आ जाएगा इसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15, तो इसका 1% के हिसाब से 4.3928 है डिवाइड बाई 1.15 इंटू 1/1000, तो ये 0.0038 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम हो गया। तो बी सी डी ई हो गया, एफ और बाकी है, एफ है हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। तो ऑल इन एग्रीगेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए माइनस, यानी
ए है हमारा एक क्यूबिक मीटर हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो उसमें से बाकी सबका वॉल्यूम घटा दो तो बाकी का बचेगा वो एग्रीगेट है, यानी ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी कर दो, तो हमारे पास एक एम क्यू में से ये 0.1116 हो गया सीमेंट का, ये हो गया 0.0399 हो गया हमारा फ्लाई एस का, ये हो गया हमारा फाइन वाटर का, और ये हो जाएगा आपका एडमिक्सचर का। तो अब हमारे पास कितना हो गया सबका टोटल 0.3157, तो 1 माइनस 0.3157 इक्वल 0.6843 क्यूबिक मीटर, यानी ये हमारा ऑल इन एग्रीगेट, यानी ऑल इन एग्रीगेट मतलब कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.6843 आ गया। अब मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू एफ इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमारा एफ कितना है 0.6843 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, हमने पिछले उसमें देखा था कि 0.554 था, तो 0.554 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.2.72 इंटू 1000, तो 1031.16 केजी हो गया हमारा कोर्स एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट कितना होगा, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट एफ इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो 0.6843 इंटू इसका वॉल्यूम था हमारा 0.446 इंटू 2.72 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, तो ये हो गया 830.14 केजी। तो फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, लेकिन अब हमें निकालना है कि कोर्स एग्रीगेट में भी हमारे वेट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना हो जाएगा। सीमेंट हमने देखा था 351.42, फ्लाई एस है 87.86 केजी, वाटर है 160.43 केजी, इसी तरह से हमारा फाइन एग्रीगेट है 830.14 केजी, कोर्स एग्रीगेट है हमारा 1031.16 केजी। इसमें क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें 20 और 10 mm का मिक्स है, इसलिए इसका 60% और 40% हमने लिया है, 20 mm रहेगा इसमें 60% और 10 mm रहेगा 40%, तो हमारा इस हिसाब से आपको 1031 को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। केमिकल एडमिक्सचर है 4.39 केजी, 1% था सीमेंटेशियस मटेरियल का, यानी सीमेंट और फ्लाई एस के मिक्सिंग का 439 केजी का 4.39 1% के हिसाब से, वो वाटर सीमेंट रेशो हो गया हमारा एक्चुअल में 0.365। तो ये हमारे ट्रायल के लिए पूरे के पूरे डिटेल्स हो गए कि एग्रीगेट शुड बी यूज इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन का मतलब ये है कि उसमें ना जो सैचुरेशन हो गया उसके अलावा उसमें कोई भी फ्री मॉइस्चर नहीं रहेगा, अदरवाइज मॉइस्चर करेक्शन टू बी अप्लाइड फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ये मॉइस्चर करेक्शन के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, तो मॉइस्चर करेक्शन अदरवाइज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन हम जो भी ट्रायल मिक्स करते हैं लैब में उसको SSD कंडीशन के लिए ही करते हैं, और उसके लिए ही आपका डिजाइन मिक्स करना चाहिए। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का एज पर IS कोड। मेरे को लगता है कि ये बड़ा सिंपल है और समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।